जीव से कोई आगे देश पैदा हुई है, तो इसीलिए सरकार बार शादी कर दिया तो उन लोगों से करो जो ससुराल के दोनों आपको पसंद हो, क्योंकि औरतें आमतौर पर अपने बेटे की विसर्ग लोग पसंद करती हैं। और ये जीव या के यही वजह है कि जिन सादात में गैर सादात की औरतों की एक शहीद होती है वो आधे राजे नहीं होंगे को 70% राजे हैं। उन्हें सीधों वाली फसल दूध दूध सखावत बहादुरी वफादार गुजारी इसे पसारी इंसानी सखावत के अंदर वहां भी आपका मैं नाम देख रहा हूं, यहां से ये जरा कर देखा ही नहीं जब तो ये एहसास पैदा हो गया सरकार के जीन्स कम हो जाए। इन्होंने साइंटिस्ट ने लिखा है जीन्स जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, नसल दर नसल नसल दर पहला टीकर जो आपने बीज दबाया था अब उसे करोड़ों आगे उसके इलाज करे, लेकिन वो जो उसके अंदर जीन से वो खत्म नहीं हुई विशाल ने जब टीकर के और बबूल के जीन खत्म नहीं होते नहीं भी कहते हैं। साइंटिस्टों ने लिखा है कि मर जाने के बाद कब्र में रख दिया जाए, अगर ये अकीदा जो मुसलमानों का है कि मर के फिर जिएंगे, अगर सचमुच ये होने वाली बात है तो वो यकीन दिलाते हैं वो जीन जो मरने से पहले उसकी बॉडी में थे उसकी खाक में भी होते हैं, वो दोबारा फिर वही काम करेंगे, नए जीन नहीं डालने पड़ेंगे। जब उसको जिंदा किया जाएगा वो पुराने जीन जो अपने बाप दादा सर से मिले वो फिर बात करेंगे। अब अली मुर्तजा के औलाद के अंदर नबी के जो जीन्स हैं थोड़ा अच्छा और अल मादी जो निन्ना आल मेहदी हम आल बैद में से है, अल बैद में ये बड़ी कंफ्यूजन है जो अल बैद नसल है उनका दिल ज्यादा हमें भी शादी को हो, लेकिन पूरी तारीख बदला गई है। आपने नाम लिया था इब्न हजर बकी रहमतुल्लाह का, उनकी तहकीकात कमजोर है, मैंने उसको अच्छी तरह छाना है, उस आदमी के फनी उलूम तैयार नहीं है। एक जगह कहता है कोई इजमा नहीं हुआ, एक जगह कहते इजमा हुआ है, एक ही आदमी के दो ब्याह के लिए फटा दिया तो मौजूद है। अब हमें क्योंकि मार पिटती रही ना तू तो हमारे वक्त गर्दिश बढ़ती गई बच्चे तेज होते गए, तो जीन जो है ना उनके वो नस्बी तौर पर है, लेकिन वो जिन चीजों में बताया है कि जिन चीजों में वो शरीक हैं वो बता दिए, जो हजूर की अजवाजे बता रहा था ये आलवैद सब है, इसका के किस्म कौन सी होगी ये बदले जजाई के लोग हैं, जितने भी अमाल के बदले मिलते हैं वो फजल है खुदा का, अल्लाह का किसी का बदला वाजिब नहीं है। सैयद शरीफ दुर्जानी अपनी किताब शरा वाकिफ जिस नंबर 8 सवा 404 उसके अंदर बताते हैं कि किसी के देह का माल देख के उसके बदले का फैसला मत करो, ये कयामत के मैदान में होने वाला है। इस दुनिया में अगर किसी ने ये राय काम कर लिए कि फलां क्या माल बहुत अच्छे थे तो बहुत अच्छे काम किए इसलिए उसका दर्जा अच्छा है, तो अमाल बांटने का लगे हो ये फजले जजाई है, किसी बुरे आदमी को अच्छे अच्छा मकान दे दे किसी अच्छे आदमी को अच्छा मकान न दे खुदा के अदल के लायक है, उस पर किसी का अजर वाजिब नहीं है, उसका नाम है फजले जजाई। एक वो लोग हैं जिनका नाम है फजले इख्तिसासी, फजले इख्तिसासी में ना कौम कंसीडरेबल है ना अमल कंसीडरेबल है ना उनकी कारकर्दगी काबिल गौर है, और वह फजल है यानी जैसा नबियों को नबी बनाया नबियों ने क्या किया हुआ था कि नबी बनाया, बात समझ आ रही है मेरी बात को समझने में थोड़ी दिक्कत तो होगी लेकिन मजा भी आ जाएगा। जितने अंबियाओं को सलीम है किसी की नमाजें देख के रब ने उनको नबी बनाया, रोजे देख के उनको नबी बनाया, रोसे पाता जनाब रहमतुल्लाह माँ के पेट से पैदा हुए तो रोजेदार थे,
کے امال دیکھ کے یہ انہوں نے بخشی. یہ فضل جزائی کے لوگ نہیں, فضل احتسابی کے لوگ. بولو یہ تصد رحمت امام شاہ, اصل فضل احتسابی کے آدمی ہیں. امام حسین فضل احتسابی کے آدمی ہیں, ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اختیار کیا. لیکن علم بیان کا ایک فائدہ ہے جو فوائد حاصل ہے, ان میں سے ایک انما ہے, ایک لا الہ ہے, ایک لیسا الہ ہے, ایک فقط ہے. ان میں سے یہ جگہ انما آیا ہوا ہے. انما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انما کے معنی صرف, انما یہ جگہ صرف کس کے بارے میں لگتا ہے؟ اس کے دو جزو ہوتے ہیں, جزو اول مقصود ہوتا ہے, جزو ثانی مقصود علیہ ہوتا ہے. یعنی یرید یہاں جزو اول ہے, اللہ یہ جزو ثانی ہے. تو یریدوں کا حسر کیا گیا ہے, بند کیا گیا اس کو اللہ پر. یعنی صرف اللہ کی مرضی ہے. اس وقت بھی ساری ضرورت اس پر ڈالنے نہیں تھی, بات سمجھ میں آئیے؟ نہیں سمجھ میں آئی. تو انما یرید اللہ, یریدو قصر کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کی سب سے نفی کر کے ایک کے اندر بند کر دینا. جن سے نفی کیا وہ مقصور کہلاتے ہیں, جس کے اندر بند کرے وہ مقصور علیہ کہلاتا ہے. یہاں یہ بھی تو مقصور ہے اور اللہ مقصور علیہ, یعنی صرف اللہ کی مرضی ہے اور کسی کی مرضی ہے. تو جو دو فائدے ہیں, ایک تو یہ سمجھا کہ سارے اس پر راضی نہیں تھے, کئی جگہوں میں نہیں بتائی. یا چلا آپ اور ہر جگہ ہمارا ذکر کرتے ہیں, اس جگہ آج تک تقریر میں ہمارا کیوں ذکر نہیں کیا؟ یہ بتائی ہوئی ہے کہ نہیں؟ نام نہیں لیتا میں اتنی سمجھ, یہ بات آئی ہے. اس کا مطلب ہر وزیر میں وہ شریک ہونا چاہتے تھے, اس کا مطلب وہ راضی نہیں تھے کہ ان کو نرا اور اکیلا بلا شک دے گئے ان کو یہ فضیلت دی جائے. امام اس کا مفید ہے, یہ گمانا یہ ہے اس کے, یہ صرف اللہ کی مرضی اور کسی کی مرضی نہیں, تصدیق نہیں کی. اچھا تو پھر دوسرے قواعد کے مطابق ایک علم ہوگا ایک معلوم ہوگا. یعنی تقدیر کی وجہ اور فضیلت کی وجہ ارادہ باری تعالیٰ ہے. اگر سبب زوال پذیر ہو مسبب زوال پذیر ہوتا ہے, اگر سبب زوال پذیر ہو تو پھر مسبب زوال پذیر نہیں ہوتا. سبب ان کی فضیلت کا ارادہ الہی, فضیلت کن کو ملنے والی ہے؟ آلت کے رسول کو. رب کے ارادے کو کوئی زوال نہیں, اس لیے تو کوئی زوال نہیں.